मैं आप सबका स्वागत करता हूं अंत के दिनों के इस भेद की सभा में। हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं हजार साल के बारे में और कैसे हम उस समय पे उस दौरान जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। निकालेंगे यहेजकेल 43 का हम एक से पढ़ेंगे। यहेजकेल 43 का सचमुच बहुत गहरे भेद हैं जो आप जान रहे हो, ये सचमुच गहरे से गहरे भेद। तो सचमुच मैं चाहता हूँ ध्यान से सुने, अगर प्रभु ने अनुग्रह आपके ऊपर किया और आपको ये चीज़ें प्रभु रिवील कर रहा है तो इनको लाइटली ना लें। ये सचमुच गहराई के चीज़ें हैं जो आज प्रभु आप पे जाहिर कर रहा है। हालेलुया। तो ध्यान से मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ मिस ना करें, पर जो प्रभु आज आपको देना चाहता है उसको आज लें। हम पढ़ेंगे यहेजकेल 43 का एक से पढ़ेंगे। जो पूर्वमुखी था, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घर घराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तो हमने देखा इस जगह पे प्रभु बात कर रहा है कि पूर्वमुखी जो फाटक था वहां से वो महिमा एंटर करी थी, और बाइबल में लिखा वो तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। इसका मतलब जो ग्लोरी ऑफ गॉड है, जब जीसस उस ग्लोरी को कैरी कर रहे होंगे, जब यीशु के उस महिमा सहित एंटर करेंगे, ये भविष्यवाणी यहेजकेल ने हजारों साल पहले लिख दी थी। जो यीशु का आगमन होएगा, युद्ध को जीतने के बाद जब यीशु उस पूर्वी फाटक से प्रवेश करेंगे, तो बाइबल में लिखा है वो स्थान महिमा से, प्रभु की हजूरी से भर जाएगा। तब आत्मा ने मुझे भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। हालेलुया। इसका मतलब पूर्वी फाटक से यीशु का प्रवेश मंदिर में होएगा, और मंदिर की जगह भी वो ग्लोरी से भर जाएगा जो एक समय पे ग्लोरी उठा ली गई थी। यहेजकेल 10 में हम पढ़ते हैं कि वो महिमा ले ली गई थी, प्रभु ने उसे महिमा को उठा लिया। पर इस दौरान हम देखते हैं यीशु के आने के बाद उस मंदिर के अंदर वो महिमा एक बारी फिर से रिटर्न करेगी, एक बारी फिर से आ जाएगी। बाइबल कहती है वो जगह महिमा से भरपूर हो जाएगी, भर जाएगी, प्रभु का प्रकाश महिमा उस जगह पे भर जाएगा जब यीशु का आना होएगा। हालेलुया। इसका जिक्र हम भजन संहिता में, दाऊद ने भी इसको प्रकाशित हुआ दाऊद के ऊपर, और दाऊद ने भी इसके विषय में गवाही दी कि क्या होएगा जब यीशु का आना होएगा। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, हे फाटको अपने सर ऊंचे करो, हे संतान के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। इसका मतलब जो महिमा का राजा है वो प्रवेश करेगा, यीशु का उस पूर्वी फाटक से प्रवेश करना होएगा, उससे उसमें प्रवेश करके उसमें उसका मंदिर में जाना होएगा जहां पे स्थान वो महिमा से भर जाएगा। हालेलुया। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। वो क्या है? वो युद्ध को जीत के आया था, वो सेना जो इज़राइल के खिलाफ थी, बाइबल में क्या लिखा है, वो युद्ध को यीशु जीतेगा। तो इस युद्ध की जो हम बात कर रहे हैं वो पराक्रमी है, जो युद्ध था वो जिन्होंने योजना बनाई थी कि हम ईश्वर से लड़ लेंगे, ईश्वर को हरा देंगे, वो लोग मूर्ख थे और वो सब हराए गए। हालेलुया।
और इसके ऊपर जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो अभी एक न्यूज जो आई थी कि एक चाइना एक मिसाइल तैयार कर रहा है इस दौरान, और चाइना का कहना है कि जो भी संसार में से या जो भी आकाशमंडल से कोई भी एस्ट्रॉइड अगर आने की कोशिश करेगा या धरती से टकराएगा, तो हमारी मिसाइल उस पर जाएगी और उसे पहले ही खत्म कर देगी। हालेलुया। और चीन का कहना है, चाइना का कहना है कि हम धरती की सुरक्षा करेंगे हर एक वस्तु जो आसमान से उतरेगी, क्योंकि जैसे इसराइल का एंटी डॉम सिस्टम है कि कुछ भी मिसाइल आती है वो मिसाइल ऑटोमेटिकली जाके उसे नाश कर देती है, खत्म कर देती है। इसी तरीके से चीन दावा कर रहा है कि कोई भी एस्ट्रॉइड, कोई भी चीज़ जो धरती पर टकराने के लिए आएगी, मैं उसे, हमारी मिसाइल, हमारा मशीन, हमारे रॉकेट उसे पहले ही नाश कर देंगे, हम संसार को आकाश की सारी चीज़ों से बचा लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चीन ने जो वो मशीन है, जो रॉकेट है, जो मिसाइल है, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम चीन ने आर्मागेडोन रखा है। हालेलुया। आर्मागेडोन वो स्थान जहां पे वो युद्ध लड़ा जाएगा। हम इतनी चीजें रियल साक्षात देख रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने, और अगर अब भी हम विश्वास ना करें तो हम अब समझ सकते हो। हालेलुया। जो प्रभु ने हजारों साल पहले अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा कह दी, वो आज हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। चीन कह रहे कि जो भी चीजें बाहर से आएंगी हम रक्षा करेंगे। यीशु का आना कहां से होएगा? आसमान से, स्वर्ग से। तो चीन का कहना है जो चीजें आएंगी, जब सेना इकट्ठी होएगी उस जगह पे, जो भी चीजें आने की कोशिश करेंगी हम उन्हें नाश कर देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ, जो भी सामर्थ बाहर से आएगी हम उन्हें नाश कर देंगे। ये युद्ध इंसान से नहीं, ये युद्ध परमेश्वर से है। आज लोग इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, वो परमेश्वर, इसराइल के परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और जिसकी और यहोवा बाइबल कहती है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। ये जंग यहोवा की है और जय यहोवा ही की है। और जैसे मैं आपको बता रहा था दाऊद के बारे में, युद्ध में पराक्रमी है और यीशु सचमुच वो युद्ध को जीतेंगे। हम उस युद्ध को जीतेंगे। आगे लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो जिन फाटकों में से वो प्रवेश करेगा, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, खुल जाओ। जो भी फाटक अभी बंद है वो खुल जाएगा यीशु के आने के लिए। मैंने आपसे बात करी थी, जो ईस्ट गेट जो अभी तक खोला नहीं गया, इसको गोल्डन गेट भी कहा जाता है, पूर्वी फाटक को सुनहरा फाटक भी कहा जाता है, और ये बंद है यीशु के आने तक, ये बंद ही रहेगा। और अब देख सकते हो ये डबल आर्च है और इस पे ये सारा दीवार लगाई हुई है इस डोर पे, और यीशु के आने के बाद ही ये द्वार खोला जाएगा। हालेलुया। और इस आगे हम बढ़ते हैं कि वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वह प्रतापी राजा है। तो यीशु का आना इस फाटक के द्वारा होएगा, और जो महिमा ले ली गई थी, हम यजकेल 10 में पढ़ते हैं, वो महिमा रिस्टोर होएगी, वो महिमा वापस आएगी प्रभु के इस स्थान में। हालेलुया। तो इस गेट को आप देख सकते हो, जो ये गेट है ये सारा बंद है, इस पे दीवार लगाई हुई है, और इसी के आगे हम देखते हैं कि मुसलमानों की एक कब्रिस्तान है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेवी यार्ड है जो मुसलमानों को है, और एक फिलोसोफर था जिसने कहा कि अगर हम ये तैयार कर देंगे, उसको पता था कि यीशु का आना होएगा, तो उसका कहना था कि महायाजक, पवित्र पवित्र जन ऐसे स्थानों पे नहीं आते, पर बहुत ये चीज़ें लोग बहुत सोच विचार करते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं प्रभु के कामों को, पर प्रभु का जो कार्य है वो किसी रीति से रोका नहीं जा सकता। जैसे बाइबल में एक वचन में लिखा है कि जो चीज़ें यहोवा की ओर से हैं उन्हें कोई संसार की वस्तु रोक नहीं सकती। हालेलुया। तो ये ग्रेवी यार्ड है, और जब यीशु का आना होएगा, एक बड़ा सा अर्थक्वेक आएगा, एक बड़ा सा भूचाल आएगा, और ये सारी चीजें जो आप देख रही हो ये सारी की सारी नाश हो जाएंगी।
जो भी चीजें, ये सारी दीवार सब ऑन द ग्राउंड होंगी जो अर्थक्वेक उस दौरान आएगा यीशु के आने के समय। हालेलुया। और यीशु मंदिर में एंटर करेगा। ध्यान दे, प्रेजेंटली अभी कोई मंदिर नहीं है उधर, अभी कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ दो मुस्लिम स्थान है, भवन है जो उस जगह पे अभी उपस्थित हैं। पर हम ध्यान देते हैं, जब यीशु का आना होएगा, अर्थक्वेक आएगा और कुछ नहीं उस जगह पे रहेगा उस दौरान, जब यीशु का आगमन होएगा। हालेलुया। और यीशु, हम देखते हैं जो ये ईस्ट गेट है, इस जगह पे हमने देखा, इसके थ्रू यीशु का एंटर करना होएगा। हालेलुया। और वो टेम्पल जो तैयार होएगा, उसमें यीशु जब एंटर करेगा, वो स्थान महिमा से भर जाएगा। हालेलुया। और अब मैं आपसे बात करूंगा कौन कौन से मंदिर थे और कौन सा मंदिर तैयार होएगा जिसमें यीशु रहेगा। हालेलुया। और वो 1000 साल का शासन होएगा। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, इज़राइल एक जगह थी और लोग इकट्ठे थे, उन्होंने एक राजा की मांग करी, और उसके बाद राजा शाऊल आया, उसके बाद राजा दाऊद ने गति, और उस दौरान हम देखते हैं कि प्रभु ने राजा दाऊद के ऊपर जाहिर करा उस मंदिर को तैयार करने के लिए, और सारी मेजरमेंट, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी हर एक चीज़ दाऊद को बता दी गई थी। पर दाऊद को प्रभु ने मंदिर बनाने से मना किया, क्योंकि प्रभु जानता था कि दाऊद के हाथ खून से भरे हुए हैं, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे और उसके हाथ खून से भरे हुए थे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तू नहीं, परंतु तेरा बेटा जो अगला राजा था जिसका नाम सुलेमान और जो सबसे बुद्धिमान राजा था, प्रभु ने कहा कि वो मेरा मंदिर तैयार करेगा। हालेलुया। तो 900 BC में जब किंग सोलोमन राजा बना, उसने ये मंदिर को तैयार किया। हालेलुया। और अब देख सकते हो 957 BC से लेके 587 BC तक, 900 BC से लेके 957 BC से लेके 587 BC तक, अब देख सकते हो ये मंदिर को, ये तब तक खड़ा हुआ था और ये पहला मंदिर था जो तैयार करा गया है। हालेलुया। पर 300-400 साल के बाद 587 के अंदर, वहां पे हम देखते हैं कि राजा नेबुकदनेज़र, जो बेबीलोन का राजा था और जिसका शासन उस जगह पे था, उन लोगों की सेना आई और उन्होंने इज़राइल के ऊपर, इज़राइल की टेरिटरी के ऊपर, लोगों के ऊपर अटैक किया और जितनी भी चीज़ें उधर थी सब ढा दी गई, सब नाश कर दी गई, और इंक्लूडिंग जो मंदिर तैयार करा गया था सुलेमान के द्वारा, वो भी सारा ढा दिया गया था, सब खत्म कर दिया, सब नाश कर दिया। जो पहला मंदिर राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया था वो खत्म हो चुका था। और जब वो कैप्टिव बन के, जब वो बंदी बन के बेबीलोन में गए, बाइबल कहती है 70 साल के लिए वो बंदी बना के गए थे। आप जब जानते हो दानियल, जब हम शद्रक मेशक अबेदनगो की बारे में पढ़ते हैं, आग के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वो समय है जब उनको ले जाया गया था बंधुआई में। 70 साल के बाद जब आना हुआ लोगों का, इसराइलियों का वापस अपनी जगह पे, तो उस दौरान ये दूसरी बार था जो उन्होंने मंदिर को तैयार किया। हालेलुया। दूसरी बारी एज़रा जैसे और नेहमिया जैसे जन, उनके साथ मिलके उन्होंने ये मंदिर तैयार करा। हम देखते हैं नेहमिया कहता है कि मैं फाटक जले पड़े हैं, मुझे फाटक तैयार करने हैं, तो इनकी लीडरशिप, इनकी अगुवाई के नीचे हम देखते हैं ये तैयार करा गया। इन्होंने यहूदियों के एक सांसद को, यहूदियों के जुट को लिया और ये मंदिर एक बारी फिर तैयार करा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों ने पहले मंदिर को याद किया या ध्यान में था जिनके, वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको पता था जो पहला मंदिर तैयार करा था ये उसकी तरह नहीं है। वो जो मंदिर में जो चीज़ें वहाँ थी, ये उस जगह पे कंपेयर नहीं करा जा सकता था। तो वो लोग बहुत दुखी थे, रोए थे, क्योंकि वो पहले जैसा नहीं था।
और इस कारण वो बहुत दुखी थे। और पर फिर भी 500 साल ये मंदिर बना रहा। और जब यीशु के दौरान हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस के बारे में पढ़ते हैं, तो उस दौरान राजा हेरोदेस ने उस जगह पे उसको थोड़ा सा और मॉडर्न किया, थोड़ा सा और चीज़ें उसको फर्निश किया, और चीज़ें लगाई इंटीरियर में, थोड़ा सा काम किया, और उस दौरान उसको और थोड़ा सा बेहतरीन किया। पूरा पहले मंदिर की तरह तो नहीं, पर फिर भी उसको थोड़ा सा चीज़ें ऐड करके उसको थोड़ा सा और बेहतरीन करा। और ये राजा हेरोद ने किया ताकि वो यहूदियों को प्रसन्न कर सके, क्योंकि वो यहूदियों के ऊपर शासन करता था। तो उनको प्रसन्न करने के लिए राजा हेरोदस ने उस मंदिर में थोड़ी सी बदलाव किए, थोड़ी सी चीज़ों को ऐड करा और उसको थोड़ा सा और अच्छा तैयार करा। हालेलुया। पर ये दूसरा टेंपल जो था ये भी बना ना रहा। एडी 70 में यीशु के 40 साल के बाद जब चला गया था यीशु, एडी 70 में हम देखते हैं जब यहूदी जो इजरायली लोग थे उन्होंने रोमी सरकार का से बलवा करना शुरू करा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे नीचे नहीं रहेंगे, हमें तुम्हारा शासन नहीं चाहिए। तो उस दौरान रोमी सरकार बहुत क्रोधित हुई और राजा तीतुस जो एक गवर्नर था उस दौरान, तो वो अपनी आर्मी के साथ इसराइल में आया और उसने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, नाश कर दी। जो भी चीज़ें थी, जैसे बेबीलोन के टाइम भी हुआ था, इस दौरान भी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। वो मंदिर भी इंक्लूडेड वो ढा दिया गया था। तो इस दौरान हम देखते हैं वो दूसरा मंदिर जो तैयार करा गया था वो भी नाश कर दिया गया था। हालेलुया। तो आप देख रहे हो प्रभु के लोगों का हमेशा रास्ता इजी नहीं रहा, बहुत विरोध का सामना करके वो आगे बढ़े हैं, पर प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु हमेशा रिस्टोर करता है। अब देख सकते हो कब कैसे ये युद्ध और कैसे 26 किलो के ये पत्थर मारे गए, एरोज मारे गए, ये सारी चीजें नाश करी गई और बड़ी बड़ी दीवारें ढा दी गई। और वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बलवंत सैनिक थे, उनके पास इतने हथियार थे कि कोई भी चीज़ रही नहीं और सारी चीज़ें उस दौरान ढा दी गई। और इसके बाद वो उस जगह पे आए और सारी यहूदियों को, सारे इसराइलियों को उस जगह से भगा दिया, उन्हें मार गिराया और सबको उस जगह से तितर बितर कर दिया। आग जलाकर सारा नक्शा मिट गया था, मतलब आप देख नहीं सकते थे वो जगह बिल्कुल, वहां पे अब कोई नहीं वास कर रहा था उसके बाद। हालेलुया। तो आप देख सकते हो प्रभु के इस मंदिर दूसरी बार किस रीति से ढा दिया गया। हालेलुया। तो ये दूसरा मंदिर था जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा मंदिर। अभी तक एडी 70 के बाद जो तीतस राजा, जो रोमी सरकार के द्वारा ढा दिया गया था, उसके बाद अभी कोई मंदिर नहीं है उधर। प्रेजेंटली भी अभी भी कोई मंदिर नहीं है, पर जो बाइबल बताती है एक मंदिर तैयार होगा जो एंटी क्राइस्ट की अगुवाई में तैयार होएगा। और एंटी क्राइस्ट उस दौरान हम पढ़ते हैं, ये जिक्र है 7 साल के बारे में, आप दानियल में पढ़ते हो। आने वाले टाइम पे अगर प्रभु अगुवाई करेगा मैं दानियल के विषय में भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। और दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं उस दौरान जो मंदिर तैयार होएगा वो एंटी क्राइस्ट के द्वारा होएगा। और एंटी क्राइस्ट उस समय पे लोगों को बहकाने वाला होएगा, लोगों को प्रेम दिखाने वाला होएगा, पर एक्चुअली 3.5 साल के बाद वो अपना रियल चेहरा दिखाएगा। और हम देखते हैं यहूदियों को, मुसलमानों को, अन्य जाति को, वो सबको एक जगह पे ले आएगा और उन्हें बोलेगा कि हम इकट्ठे रहेंगे और एक रिलीजन, एक ही धर्म होएगा। हाँ, अब आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक ही सरकार होएगी और एक ही धर्म होएगा। तो ये चीज़ें जो होंगी, और वो मंदिर को तैयार करेगा। और 3.5 साल गुजरने के बाद वो खुद जाके
मंदिर में बैठ जाएगा। और उस दौरान जो यहूदी लोग थे, जो इज़राइली थे, वो जानेंगे कि हमने गलत किया, हम बहकाए गए। वो मानेंगे, वो जानेंगे कि सचमुच डेवल ने प्लान खेला और हमें भरमा दिया, और वो रिपेंट करेंगे। हालेलुया। और इस दौरान शैतान उनको धोखा देगा, बट जब यीशु का आना होएगा, वो भूचाल होएगा, ये मंदिर भी ढह जाएगा, ये भी रहेगा नहीं। और उसके बाद चौथा मंदिर तैयार होएगा, वो होएगा जिसमें यीशु 1000 साल के लिए अपना रूल पूरे संसार में चलाएंगे। और वो मंदिर होएगा जिसमें बाइबल कहती है कि प्रभु की महिमा भर जाएगी, एक बारी फिर प्रभु की ग्लोरी उस जगह पे उतर आएगी। वो चौथा मंदिर होएगा। हालेलुया। मैंने आपसे बात करी है, सबसे पहला सुलेमान का मंदिर, उसके बाद दिखा दिया गया राजा नेबूकदनेस्सर बेबीलोन की सेना के द्वारा, दूसरा हमने पढ़ा एज़रा और नेहमिय्याह की अगुवाई में बनाया गया जो दूसरा मंदिर था, तीसरा हमने पढ़ा था जब वो ढा दिया गया AD 70 में, उसके बाद कोई मंदिर नहीं है, पर तीसरा होएगा एंटी क्राइस्ट के द्वारा जो तैयार करा जाएगा, और वो भी ढा दिया जाएगा जब वो भूचाल आएगा, और वो चौथा तैयार होएगा जिसमें यीशु का वास करना होएगा। हालेलुया। तो ये हमने जाना, वो चौथा मंदिर जिसमें यीशु वास करेगा। हालेलुया। विश्वास कर रहा हूँ बहुत चीज़ें जान रहे हो और बहुत चीज़ों को ले रहे हो, और सचमुच एक गहरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी नहीं है, कोई इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए, ये ऐसी नहीं है, ये प्रभु के रियल भेद जो ऑलरेडी प्रभु के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बता दिए गए थे। काश आप इसकी वैल्यू को जानो और समझो। हालेलुया।